अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों जो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो पीको मशीन के ऊपर बना रहे हैं। ये 130 मॉडल की पीको मशीन है जो पहले से चली आ रही है। ये कमर्शियल पीको मशीन होती है, 4-in-1 होती है। इसमें पीको, सिलाई, जिगजैग, एम्ब्रॉयडरी का फंक्शन होता है। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो फ्री आर्म एम्ब्रॉयडरी होती है, फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी। इसमें आप फ्रेम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जितनी कारीगरी से, जितने अच्छे तरीके से फ्रेम घुमाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी होगी। बाकी ऑटोमेटिक मशीन जो होती है उसमें एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो फिक्स होती है कि उसमें 10-20 कढ़ाई होगी, और उसके अलावा फिर उसमें आपको कढ़ाई फ्री हैंड में नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें घुटना दिया होता है। यहाँ पर आप देखेंगे घड़ी होता है, ये जब चाहेंगे, हाँ ये ऊपर नीचे होता है, और नीचे मनोज जी हटाइएगा, नीचे यहाँ पे घुटना लग जाता है। जैसे अपनी अम्ब्रेला मशीनों में ये घुटना लगा होता है, तो जैसे ही आप ऐसे ऐसे पैर से करेंगे इसको, अम्ब्रेला मशीन में चापा ऊपर नीचे होता है, और जब इसके अंदर आप घुटना ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ से, जी हाँ, ये ऐसे ऐसे ये ऊपर घूमता है। तो जैसी इसमें कमर्शियल एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी वैसी एम्ब्रॉयडरी आपके ऑटोमेटिक पीको मशीन में नहीं होता है। ऑटोमेटिक वाली ये जो अपनी ऑटोमेटिक मशीन होती है इस पर वैसी नहीं आएगी। तो हम लोग पहले शुरुआत जो है इसमें धागा डालने से करते हैं। मनोज जी धागा शुरू से डाल दीजिए। हाँ, पहली चीज़ मशीन के अंदर यह है कि आप धागा सही से डालें, धागा जब सही पड़ेगा। जी हाँ, दूसरा यहाँ से है। जी हाँ, इसके साथ इसमें स्प्रिंग में भी फंसना चाहिए। जी हाँ, स्प्रिंग में आप फंसा लें, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये टेंशन के एकदम बीचों बीच धागा चला जाए। अक्सर लोग टेंशन के बीच धागा नहीं डालते हैं, खाली ऊपर से पहना देते हैं। इसके बाद इसमें कुंडी में डाल दीजिए आप। जी डालने के बाद यहाँ फंसा लीजिए। ये चूँकि पीको मशीन होती है, और जो भी पीको मशीन होती है उसमें जो है सुई में छेद सामने रहता है, इसमें आप सामने से धागा डालेंगे, जबकि पीको सिलाई मशीनों में साइड से पड़ता है। और इसमें देखिए पूरा ये कटिंग जो होती है, ये एक तरह से नाली की तरह पूरी कटिंग बनी होती है। ये हिस्सा आपका सामने होना चाहिए, मशीन के सामने हिस्से में। अगर इस हिस्से को आप पीछे कर देंगे तो मशीन सही नहीं चलेगी। ये जो पीको मशीन होती है ये हैवी ड्यूटी पीको मशीन होती है। इससे आप आराम से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जितना चाहें इतना चला लें। ये हैवी ड्यूटी मशीन होती है, जबकि अपनी ऑटोमेटिक मशीन इतनी हैवी ड्यूटी नहीं होती है, वो 6-8 घंटे तक के लिए ठीक है। और इसमें आप स्पीड भी जितनी चाहे इतनी बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन में तो जो मोटर लगी होती है उसमें जितना उसका RPM फिक्स है इतने पे ही भागेगा, पर इन मशीनों को आप पैर से भी चला सकते हैं, पौधान में लगा के जैसे ही लगी है। पर कमर्शियल करना है, बाहर का मार्केट का काम करना है, तो आप ऐसा मोटर लगवाएं। ये मोटर लगा रहने से जो है इसमें स्पीड भी आएगी, थकावट भी आपको नहीं होगी, और फिनिशिंग भी रहेगी। बाकी ये आपका स्टैंड लग गया तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, जगह ज़्यादा मिलेगा काम करने के लिए। इसके अंदर पीको पहले हम लोग करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद जिगजैग, सिलाई, और आखिरी में एम्ब्रॉयडरी। पीको के लिए ध्यान दीजिएगा, इस 3 नंबर पे सेट होगा, यहाँ नंबर बना हुआ है। जी हाँ, 3 नंबर पे सेट करने के बाद इसको यहाँ से आप टाइट कर दीजिए। दिखा दें कहाँ से टाइट किया। हाँ, ये यहाँ पे होता है पेंच, इसका टाइट हो जाएगा आपका, पीको होने लगेगा। पीको करने के लिए आप स्टार्टिंग से करते हैं। जी हाँ, कि आपको इस बीच में जो कटिंग है यहाँ पर कपड़ा ले जाना है इसे। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर ऐसे गिरा दीजिए कपड़े को, धागा एक हाथ से पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद एक सुई इधर, एक सुई इधर, जी हाँ, पकड़ लेता है। जी हाँ, चापा उठा लीजिए, थोड़ा सा इसको चक्का को बैक करना है ये। अच्छा, जब पीछे, थोड़ा सा पीछे बैक करेंगे तो ये धागा यहाँ से ढीला हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो ये आपको मूव मिल जाएगा आगे घसकाने का। अच्छा अच्छा, ये चीज़ ये आगे आगे, इसमें आप आराम से धागा पकड़ के इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये हाँ, ये ऐसे एकदम मुंह के छोर से होगा, नहीं तो थोड़ा सा छूट जाता है आगे के। यहाँ से पीको आपका छूट जाएगा। बाकी इसमें देखिए यहाँ रेगुलेटर आपका लगा हुआ है, मोटर है, पास है। जी हाँ, दिखा दें एक बार। ये हाँ, यहाँ नीचे में ये रहा रेगुलेटर, आपका ज़मीन में पड़ा रहेगा। Thank you.
सहारा आपको हल्का सा देना है जी। जितना कम कपड़ा देंगे इतना पतला होगा, जितना ज़्यादा देंगे इतना मोटा होगा। सही बात, जितना ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर आपका जाएगा इस पीको के चापे के मुंह में, इतना थोड़ा सा मोटा कपड़ा आपका थोड़ा मोटा पीको होगा, नहीं तो आपका जो है थोड़ा सा पतला पीको होगा। जितना आप पीको करते जाएंगे इतना आपके पीको में फिनिशिंग आती जाएगी, दिन पे दिन आप जितना करेंगे इतना आपका काम में फिनिशिंग आती जाएगी। ये तो हो गया आपका पीको का फंक्शन। इसमें सुई जो है 14 नंबर या 16 नंबर की लगती है। बारीक ज़्यादा आपको पीको करना है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा कपड़े में छेद ना पता चले तो 16 नंबर का निडिल लगा लीजिए, नहीं तो 14 नंबर की निडिल लगा लीजिए, नहीं तो 16 नंबर उसके लिए एकदम सही होती है। जितना कपड़े को आप अच्छे से पीछे खींचेंगे और आगे के हिस्से में आपको कपड़ा थोड़ा सा ऐसे उठाए रखना है, जब इसका मुंह आगे से आप उठाएंगे तो बहुत अच्छे से पीको होता जाएगा, नहीं तो निकल जाएगा कपड़ा बाहर, चापे में से बाहर निकल जाएगा जी। हाँ मनोज जी, अब जो हाँ अब सिलाई और जिगजैग पे आ जाते हैं। पीको कितना खूबसूरत होगा या आपकी हाथ में आप हाथ से कितना अच्छा कपड़ा बैलेंस करते हैं इस पर निर्भर करेगा। चापा चेंज कर लीजिएगा जी। हाँ, अब हम लोग जो है जिगजैग और सिलाई के लिए चापा बदल देंगे जी। हाँ, इसका चापा आपको जब पीको मशीन आप खरीदेंगे तो इसमें आपको पीको का भी चापा अलग से मिलेगा, पीको का चापा अलग से मिलेगा आपको और एक जिगजैग का चापा मिलेगा आपको। जिगजैग वाले चापे पे ही सिलाई का फंक्शन होगा और जिगजैग का फंक्शन होगा, और कपड़े के किनारे पे रख के अगर आप जिगजैग मार देंगे तो एक तरह से इंटरलॉक जैसा उसका स्टिच आएगा, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। अब ये 3 नंबर के इसकी घड़ी सेट है, तो 3 नंबर जैसा आपका ये देखिए, ये आपका ये जिगजैग आएगा, ये यही खूबसूरत है। आप स्टिचिंग और ये बढ़ाना चाहते हैं जी? हाँ, यही चीज़ आप देखेंगे तो चादर पे या तकिया पे गिला पे डिजाइन बना रहता है जिग-जिग वाला। जी हाँ जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, जितना भी रेडीमेड ये आप देखेंगे ऐसा बन के मिलेगा मार्केट में। रेडीमेड जो भी तकिया आप लेंगे तो तकिया के गिलाफ पे साइड में आप देखेंगे यही जिगजैग का टाका होता है, बाकी सिलाई मशीन जैसे सिलाई मशीन में आप टाका लंबा छोटा करते हैं वैसे इसी घड़ी यहाँ लीवर से आप इसका टाका छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे सिलाई मशीन में होता है। इसमें मनोज जी कपड़े का किनारा भी रख के ये लगे दिखा दो, वो को छोड़ दो कपड़ा यही पे कपड़े के किनारे। अच्छा अच्छा दिखा दीजिए, जैसे लग रहा है आपको कपड़ा जोड़ना फटा है। जी हाँ जी हाँ, अलग अलग हो गया, अब हमको जोड़ के डिजाइन भी बन जाए, अच्छा हमारा कपड़ा भी सही हो जाए। हम्म, अब ये दोनों आप धागा पीछे कर लीजिए। अच्छा, ये कपड़ा ऐसे रख लीजिए जी, बस ये ध्यान देना एक इस कपड़े पे और एक इस कपड़े पे गिरना चाहिए जी। यहाँ से आपको बराबर पकड़ना है कपड़ा जी, बस बस ये आपका कपड़ा भी जुट जाएगा पीछे साइड से जी। हाँ जी, देखने में डिजाइन भी बढ़िया लगेगा। हम्म, अब यही चीज़ आपको इंटरलॉक करना है जी। हाँ, इंटरलॉक के लिए आप कुछ मत करिए, ये साइड से आपका कपड़ा हुआ बांधते हुआ चला गया। ये कपड़े का देखिए आप किनारे पे जब करेंगे तो एकदम लगेगा ओवरलॉक जैसा आपको, पर ये चूंकि एक धागे की ओवरलॉक है, एक धागे का जिगजैग है, इसलिए ओवरलॉक जो 3 धागे की होती है उससे थोड़ा सा हट के रहेगा और वैसी मजबूती भी नहीं रहेगी। पर आप इसी ओवर ये साइड में ओवरलॉकिंग करने के बाद बीच में आप एक टाका का सिलाई का दौड़ा देंगे तो इसमें और मजबूती आ जाएगी।
आप चाहें तो ऐसा कर लें, कर सकते हैं, इसी के बीच में सिंपल सा एक धागा दौड़ा लें। ये घड़ी आपकी है, सब घड़ी से, घड़ी से आपकी चौड़ाई सेट होती है। घड़ी में आपकी ये होता है कि आपको अगर जब चला रहे कपड़ा पे, तो आपका ये जो चौड़ाई का टाका है, ये चौड़ाई का टाका आपका घड़ी से सेट होगा, और बाकी सिलाई करने करते वक्त जो टाके की लंबाई बीच में होती है, वो आपके जो है यहाँ से कंट्रोल होती है, जैसे सिलाई मशीन में आप कंट्रोल करते हैं उसको। आपको सिलाई करना है तो आप जीरो नंबर पे कर लीजिए, यहाँ से इसको खोल देंगे जी, ऑटोमेटिक ही आपका सिलाई पे चल जाएगा। आप देखिए, आपको जहाँ से जिगजैग पे रखे तो सुई दाएं बाएं गिर रही है, अब आप चाहते हैं कि सुई सीधी गिरे, सीधे उठे और सीधी सिलाई हो जाए, तो इसको आपको यहाँ से ज़ीरो पे करना होगा, यहाँ से ढीला कर देंगे, अपने आप ये खींच के ज़ीरो पे आ जाएगा। ये देखेंगे, ये सिंपल सी सिलाई है, नीचे जैसे थोड़ा थोड़ा ढीला अगर आने लगता है तो थोड़ा सा टेंशन टाइट कर लीजिएगा, वो आपको एडजस्ट करना होगा, जिगजैग के बाद अगर सिलाई पे आएंगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको टेंशन से करना होगा। जब टाइट ये कर देंगे तो ये सिलाई एकदम क्लियर हो जाएगा जी। हाँ देखिए, ये आपका यहाँ पे ख़राब आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे एकदम सही आ गया, तो ये टेंशन से होगा, ये आपको कंट्रोल करना होगा जिगजैग के वक्त, सिलाई के वक्त वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा। पर एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से समझ लें कि अगर आपको कमर्शियल सिलाई करना है, ज़्यादा दिन भर आपको काम सिलाई का करना है, तो पीको मशीन से सिलाई करने का सोच के पीको मशीन मत खरीदिएगा। अगर आपको ज़्यादा सिलाई करना है तो फिर आप अम्ब्रेला मशीन खरीदिएगा इस टाइप की, और अगर आपको पीको जिगजैग करना है तब आप पीको मशीन खरीदिएगा। इसमें भले आपका सिलाई का एक फंक्शन दे दिया है, लेकिन आप इस सिलाई का टेम्प्रेरी फंक्शन मान के चलिएगा। मेन सिलाई करना है तो सिलाई मशीन करिए, बाकी जिगजैग, पीको, एम्ब्रॉयडरी ये सब करना है तो भले आप इस मशीन खरीदिएगा। बहुत खूबसूरत इसमें आपका जिगजैग आता है, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मशीन का ये है कि ये हैवी ड्यूटी है, जल्दी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 8 घंटा 10 घंटा भी डेली चलाएंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। कढ़ाई के लिए बताएंगे? हाँ, अब एम्ब्रॉयडरी में आ जाते हैं। अब इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का भी फंक्शन दिया होता है। अगर आपको मेन एम्ब्रॉयडरी करना है तो आप ये मशीन खरीद करके लकड़ी का पौधान लीजिएगा, जो लकड़ी के पौधान आते हैं भारी होते हैं, और उस पौधान के अंदर आपका नीचे क्वार्टर की मोटर या क्लच की मोटर लगेगी, और इस टाइप का घुटना लगेगा। जब इस घुटने से आप चलाते जाएंगे और इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो एम्ब्रॉयडरी के जैसे चाहे वैसी डिज़ाइन निकलेंगी। वो कमर्शियल जो चलाने वाले होते हैं तो उनकी कारीगरी पे वो एम्ब्रॉयडरी निर्भर करता है। आप अगर कभी कढ़ाई नहीं किए हैं तो आप ये सोच के खरीदिएगा कि हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा आपसे, आपको सीखना पड़ेगा कुछ दिन। और फ्रेम जितना अच्छे से आप जितने अच्छे से फ्रेम घुमाएंगे इतने अच्छे से एम्ब्रॉयडरी होगा। अब इसमें देखिए आपका दांता है, ये प्लेट लगा हुआ है पीको का, और ये चापा यहाँ होता है, तो चापा आपने खोल लिया है, अब ये आपको प्लेट खोलना है, पेचकस से ये आपको प्लेट खोलना होगा, फिर इसका दांता निकालना होगा, और फिर देखिए ये एम्ब्रॉयडरी का प्लेट होता है। तो इसमें आप गौर करेंगे तो जगह ज़्यादा दी होती है, तो नीडिल आपका आराम से इसमें घूमेगा, पर अगर आप इस प्लेट को लगा के निडिल को 3 नंबर के ऊपर ले जाएंगे तो स्वीट टूट जाएगी। जरा मनोज जी दिखा दीजिएगा एक बार, थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा लेकर के, तो हाँ देखिए ठीक है, 4 नंबर पे गया, हाँ ये देखिए लड़ जाएगा, हाँ बस बस उठा लो, देखिए लड़ जाएगा और एकदम स्वीट टूट जाएगा, ये देखिए इधर लड़ जाएगा जी, हाँ इधर भी लड़ जाएगा। तो इसमें जो इसके अंदर चौड़ाई दी होती है वो आपका सिर्फ 3 नंबर तक के लिए दी होती है। घड़ी से आप 3 नंबर तक की चौड़ाई सेट करेंगे तो इस प्लेट पे आपका चलेगा, क्योंकि जिगजैग हो चाहे पीको हो वो 3 नंबर तक की चौड़ाई पे चलता है। ये आपका प्लेट खुल गया, बाकी ये आपका दांता होता है जो आपके कपड़े को ढकेलता है पीछे, ये आपका पीको का प्लेट है, बाकी इसमें नंबरिंग दी होती है। आप कपड़ा का किनारा जहाँ भी रख के, अगर मान लीजिए आप 3 नंबर पर रख के चला रहे हैं, तो फिर आप कपड़े को 3 नंबर पर रख के ही
उस साइड का कपड़ा तीन नंबर पर रख के ही चलाएंगे तो कपड़े में सिलाई जो होगी या जिगजैग जो होगा वो सीधा आएगा। कभी कपड़ा अगर तीन पे आएगा, कभी कपड़ा पाँच पे आएगा तो आपके सिलाई जिगजैग टेढ़े मेढ़े होंगे कपड़े पे, इसीलिए ये नंबर दे देता है कि इशारे के लिए कि आपका कपड़ा सीधा जाए उसके अंदर और स्टिचिंग उसमें जो है सीधी निकल के आए। ये नंबरिंग का यही काम होता है। जब आप देखेंगे सब निकल गया, सिर्फ शटल दिखेगा आपको नीचे का, बाकी आपका प्लेट इसमें कसा जाएगा, दांता नहीं रहेगा। या आप एम्ब्रॉयडरी का प्लेट सेट कर देंगे, फिर इसमें आप फ्रेम लगा लीजिए, फ्रेम में कपड़े को टाइट रखिएगा और फिर आप अपना एम्ब्रॉयडरी करिए। वो जैसा भी आप फ्रेम घुमाते जाएंगे वैसे एम्ब्रॉयडरी होती चली जाएगी, वो आपकी कारीगरी पे है। हम लोग उसके पास उस वैसी कारीगरी नहीं है, बस आपको हम लोग बता देंगे, आप समझ जाएं उस चीज़ को अच्छे से कि कैसे होगा क्या होगा, बाकी करना तो आपकी कारीगरी पे है। और बड़ा कपड़ा चाहेंगे तो उसके नीचे भी होगा, देख लीजिएगा। इस पिको मशीन को 130 मॉडल कहते हैं, इसका मॉडल नेम तो 130 ही है, बाकी अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आप सीना की देख रहे हैं तो उसमें अलग मॉडल रहेगा, उषा का देखेंगे तो उनका अलग मॉडल का नाम रहेगा, तो नाम वो कुछ भी दे दें पर इसका मेन ये जो मॉडल होता है ये 130 मॉडल होती है। इसको लोग एम्ब्रॉयडरी मशीन भी बोल देते हैं, कुछ जिगजैग करती है तो कुछ लोग इसको जिग मशीन भी बोल देते हैं, और जिसको पीको करना होता है तो लोग इसको पीको मशीन भी बोल देते हैं। तो नाम तीन अलग अलग नाम भले पुकारे जाते हैं पर मशीन एक ही होती है। सिलाई मशीन कह के सिलाई जिसको करना होता है तो वो तो सिलाई मशीन ख़रीदता है, वो पीको मशीन तो ख़रीदता नहीं है। तो इसमें आप देखें 4-in-1 ये मशीन होती है, चार फंक्शन इसमें रहते हैं जो चारों फंक्शन ये करती है। अलग अलग खाली प्लेट आपको और चापे बदलने होते हैं। सिलाई और जिगजैग के लिए एक प्लेट और चापे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपका अलग से प्लेट लगता है और जिसमें चापे और दांते खोल दिए जाते हैं और पीको का प्लेट हटा के एम्ब्रॉयडरी का प्लेट लगा दिया जाता है। ये फ्रेम को आप इसी तरह लगा के, लकड़ी का फ्रेम आपको मिल जाएगा मार्केट में, इसको लगा के अच्छे से टाइट कर लीजिए। जितना अच्छे से टाइट रहेगा ना तो टाका अच्छे से आएगा, और ढीला रहेगा तो नीचे कपड़ा खींच लेगा। अब जब ये आप ऐसे फ्रेम लगाते हैं तो इसके नीचे आप इसी टाइप का घुटना कसवा लें, जो ये घुटना आप देख रहे हैं इस टाइप का घुटना इसी पटरे के नीचे कसा आ जाएगा। हम लोग अभी कसे नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो वो आपका कसा आ जाएगा। तो आपका जो एम्ब्रॉयडरी का प्लेट है जो हम लोग हाथ से ऊपर नीचे ऐसे करेंगे उसमें क्या होता है कि वो घुटने से ऐसे ऐसे घुटना नीचे ऐसे पैर से ऐसे ऐसे घुटना मारते जाएंगे और वो सुई के टाके दाएं बाएं ऐसे ऐसे घूमते जाते हैं। आप देख रहे हैं ये घुटने नीचे से जो है घड़ी को ऊपर पैर से मारा जा रहा है तो वो उसकी चौड़ाई लिए जा रही है। सुई आपकी देखिए वैसे चौड़ा टाका देखिए। अब जितना अच्छा आप फ्रेम घुमाइएगा इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी निकल के आएगी। ये आपकी कारीगरी पे है, ये आप जितना अच्छे से हाथ से घुमाएंगे, जितना अच्छे से पैर से घुटने को ऊपर उठाएंगे वो कढ़ाई की डिज़ाइन इतनी बनती चली जाएगी। ऐसे ही ये बनती है मशीन, बस वाली बनती है।
तो अब ये कारीगरी है, जो चाहे आप बना लीजिए, डब्लू बनाइए, वी बनाइए, फूल बनाइए, पत्ती बनाइए, ये हाथ की कारीगरी से बनेगा। बाकी अपनी जो कढ़ाई मशीन होती है, जो पीको मशीन ऑटोमेटिक वाली होती है, इसमें कढ़ाई की डिज़ाइनें फिक्स होती हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें फिक्स है, इसमें आपकी कोई कारीगरी नहीं होती है, वो अपने आप बनाएगी। पर ये अपनी 130 मॉडल अपने आप नहीं बनाएगी, बल्कि आपको अपनी पैर की कारीगरी, जिससे आप इसको थोड़ा उठा के दिखाइए, जिससे जितना अच्छे से आप घुटना उठाते जाएंगे, सुई दाएं बाएं इतनी चौड़ाई लेगी और इतनी अच्छे से आपका एम्ब्रॉयडरी निकलेगा। और वैसे ही फ्रेम, क्योंकि कितने अच्छे हाथ तरीके से आप ऐसे ऐसे फ्रेम घुमाते हैं और एम्ब्रॉयडरी निकल के आती है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इतना वीडियो बनाना ज़रूरी था ताकि आप समझ सकें। तो अब मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। शुक्रिया।